Good morning. How are you? I hope you're fine at home. I am your teacher, Mrs. Ravina Chetnani of grade 2. And today, my subject is Hindi. आज के इस वीडियो में आपको मैं एक सुंदर सी कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है इब्न बतूता. Yes. What is the name of the poem? It is इब्न बतूता. जब आंधी आती है तो आप क्या करते हो? What is आंधी? आंधी में तेज हवाएं चलते हैं. There is only dust in the आंधी and virus in the तूफान. आंधी के साथ तेज बारिश भी होती है. आंधी में सिर्फ और सिर्फ तेज हवा ही होते हैं और धूल भी होती है. ओके, सो आप आंधी हो या बारिश हो तो आप क्या करते हो? यस, किसी सही जगह पे जाकर रुकते हो कि आपको कोई भी नुकसान नहीं हो. धूल मिट्टी से बचने के लिए आप एक सही जगह पे जाकर खड़े हो गए हो. पर इस कविता में हमें क्या बताया गया है? जो इब्न बतूता है वो निकल पड़े हैं बारिश में. फिर क्या होता है और क्या पहन के निकलते हैं? जूता. जैसे वो आंधी में निकलते हैं तो तेज हवाएं हैं वो उनके नाक और कान में घुस जाती है. सो व्हाट हैपेंड? ही वाज रबिंग हिज नोज बिकॉज एयर वेंट इन हिज नोज एंड ईयर्स. सो ही वाज रबिंग हिज नोज एंड ईयर्स लाइक दिस एंड लाइक दिस. बाय द मीन टाइम हिज शूज जस्ट वेंट अवे. इसके बीच में क्या हुआ? इनके जूते उड़ गए. इट फ्लू इन द स्टॉर्म. आंधी में इनके जूते जो हैं वो उड़ गए. उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते हैं? यस, इट वेंट इन द जापान. जापान के वहाँ जाकर पहुँचते हैं इब्न बतूता के जूते. फिर क्या होता है? ये मोची के दुकान पे जाकर खड़े रह जाते हैं. यस, उनके पैरों से जूता निकल के उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच जाता है? जापान में. और ये मोची की दुकान में खड़े रह जाते हैं. जब भी आंधी है तो आप घर से बाहर मत निकलना, जैसे इब्न बतूता ने किया है. राइट? हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम? इस कविता के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. सो नाउ लेट मी रीड द पोएम फॉर यू. चलो बच्चों, अभी हम कविता रीड करते हैं. इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में. थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में. मतलब इब्न बतूता पहन के जूता कहाँ निकल पड़ते हैं? तूफान में. फिर थोड़ी हवा नाक में घुस जाती है और थोड़ी इनके कान में. कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता. जैसे ही आप अपने नाक और कान को मल रहे थे, क्या हुआ? उनके पैरों से उनका जूता उड़ा और कहाँ पहुँचा? जापान में. उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में. इब्न बतूता खड़े रह गए मोची के दुकान में. मतलब उड़ते उड़ते पहुँचा जापान में. कहाँ गए? मोची के दुकान में खड़े रह गए. ओके, आई होप यू आर थरो विद द पोयम. सो नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस. Dear children, this is the textual exercise of poem number 2, Ibn Battuta, Shabdarth hai. Chalo, isko hum learn karte hain. The first one is Tufan, Jor ki aandhi ke saath barish aana. Jor ki aandhi ke saath barish aana. Matlab dhool mitti bhi uthti hai aur jal bhi. Next is Mochi, Jooton ki maramat karne wala, that is cobbler. जब आपके शूज़ या चप्पल टैर हो जाते हैं, सो हु रिपेयर्स इट? इट इज़ अ कॉबलर हु रिपेयर्स योर शूज़ और स्लिपर्स. नेक्स्ट इज़ द दुकान.
जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती है. इट इज़ अ शॉप वेयर द थिंग्स आर टू बी सोल्ड. ओके किड्स, नाउ वी शैल डू द भाषा ज्ञान. एक से अनेक बनाओ, दैट इज सिंगुलर टू प्लूरल. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. दुकान का दुकाने. जूता का क्या आता है? इट इज़ जूते. सो यू हैव टू राइट ज पे बड़ी ऊ की मात्रा, त एंड ए की मात्रा. ओके जूते. नेक्स्ट इज आंख. आंख की क्या है? आंखें. आंख चंद्र बिंदु, ख एंड ए की मात्रा. आंखें. ओके नेक्स्ट इज कपड़ा. क्लॉथ क्या आता है? कपड़े. क्लोथ्स. ओके देन ए की मात्रा. डन किड्स, नाउ लेट अस डू द टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही उत्तर पर ये वाला चिन्ह आपको लगाना है. नंबर वन इज इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया? क्या घुस गई थी? तो हवा. सो यू हैव टू पुट अ टिक मार्क हियर. यहाँ ए में पानी है, सी में तिनका है. सो और दिस इज द आंसर. ओके हवा. इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? कहाँ खड़े रह गए? मोची के पास कि जापान में कि घर पर? मोची के पास. ओके आंसर इज हवा एंड मोची के पास. डियर चिल्ड्रेन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द पोयम इब्न बतूता. ये एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है घर का रास्ता. डियर चिल्ड्रेन, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अबाउट अ बॉय हुज नेम इज शेख चिली. ये कहानी एक छोटे से बच्चे से रिलेटेड है जिसका नाम है शेख चिली. ये बहुत ही नॉटी था. ओके नाउ लेट अस सी व्हाट ही डिड. ओके शाम का समय था, मतलब वन इवनिंग. शेख चिली कहाँ पर बैठे थे? पुलिया पे बैठे थे. पुलिया मतलब छोटा सा पुल. एंड बर्ड्स वे चर्पिंग एंड रिटर्निंग बैक देयर होम्स, मतलब चिड़िया चहचहाती अपने घर को लौट रही थी. वो अपने फ्रेंड के साथ पुलिया पे बैठा था. अकेला नहीं बैठा था, वो अपने मित्रों के साथ पुलिया पे बैठा था. फिर तभी वहाँ पे एक व्यक्ति आया. उसने पूछा, बच्चों शेख साहब का घर कहाँ है? तो ये शेख चिल्ली कौन था? शेख साहब के पुत्र थे. उनको एक दिमाग में एक मस्ती सूझी, क्यों ना इस व्यक्ति के साथ एक छोटी सी शरारत की जाए. उन्होंने कहा, ये कोई भी रास्ता नहीं जाता है उनके घर को. मतलब कौन से रास्ते? ये चारों रास्ते उनके घर को नहीं जाता है. फिर वो व्यक्ति ने पूछा, बेटा तो फिर कौन सा रास्ता जाता है? तो शेख चिल्ली ने कहा, कोई भी नहीं जाता है. उन्होंने कहा, बेटा शेख साहब तो इसी गांव में रहते हैं ना? देन व्हाट डिड शेख चिल्ली सेड? यस, रहते तो इसी गांव में. ही इज देयर इन द सेम विलेज ओनली, बट दिस वे डज नॉट गोज देयर. यू हैव टू वॉक ऑन दैट वे एंड गो. उन्होंने क्या बोला? इतने सालों से मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, मैं इन चार रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को देखा नहीं उनके घर की ओर देखते हुए. आपको ही इन रास्तों पर चलकर उनके घर को जाना है. इट वॉज अ जोक. ओके मेड बाई शेख चिल्ली टू दैट अननोन पर्सन, जो स्ट्रेंजर आए थे, जो उन्होंने घर का रास्ता पूछा था शेख चिल्ली से. किसका रास्ता पूछा था? इन्हीं के घर का. उनके डैड का नाम था शेख साहब. पर ये काफ़ी नॉटी थे, तो इनके दिमाग में एक हरकत सूझी, क्यों ना हम इनसे थोड़ी सी मस्ती की जाए. तो उन्होंने ये जोक किया कि इतने सालों से तो मैं इसी गांव में रहता हूँ, टिल नाउ आई हैवन सीन एनी
way going to their house or any road going to their house. You are supposed to walk on these roads and reach their home. I hope you are thorough with this story, Ghar Ka Rasta. This is reading for fun. It is a short story. Okay? We would interact you soon in our Zoom online session to solve your queries and provide homework in our following group. Till then, stay home, stay safe. मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.